दूर होने के बाद अब खुदा से डरता था। जब खुदावन का वक्त पूरा हुआ तो उसने अपने बेटे को भेजा ताकि इंसान जिस डर में मुबतला है वो डर दूर हो जाए। और फरिश्ता ने क्या खबर दी कि डर मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुदावन यीशु मसीह इसलिए जमीन पर आया कि इंसान का डर जाता रहे, इंसान का खौफ जाता रहे। आज अगर हम डरते हैं, अगर हमारी जिंदगी में किसी बीमारी का डर है, हमारी जिंदगी में शैतान का, अबलीस का, किसी चीज का भी खौफ है, तो इसका मतलब यह है कि जिस कदर ज्यादा हम डरते हैं उसी कदर हमारा ईमान कमजोर है, और जिस कदर हमारा ईमान ज्यादा मजबूत होगा उसी कदर हमारी जिंदगी में डर और खौफ कम होगा। अपनी जिंदगी में हम खुद माप सकते हैं, अगर हमारी जिंदगी में डर ज्यादा है, अगर हम अबलीस से डरते ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा ईमान कम है, और जिस कदर हमारा ईमान ज्यादा होगा हमारी जिंदगी में डर और खौफ कम होगा। क्योंकि खुदा के यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें मौत की गुलामी से, अबलीस की गुलामी से आजाद करे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हर एक सर झुक जाए, हर एक आंख बंद हो। एकादर रुपये का आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अवधि और तेरी वफादारी पुश्त पुश्त हम सबों के साथ है। अरे बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, कास्को बैप्टिस्ट चर्च हड़प्पा के लिए, पादरी आर्थर डैनियल के लिए, उनकी सारे एल्डर्स के लिए, उनकी यूथ के लिए, उनके सर स्कूल के लिए। और खुदा तेरे जोर मेहनत करते हैं बच्चों की सारी उस खूबसूरत खिदमत और परफॉर्मेंस के लिए। अब आप तो इनको बरकत देना, अपने बंदा पास्टर आर्थर को और भी ज्यादा कसरत के साथ इस जमात और कलीसिया में इस्तेमाल करना, फजल वाला हाथ इन पर बड़ा रहे। अब आप तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि तू उनको अपने पनाह और अपनी हिफाजत पर रखना, अपने बंदा की दिन और रात आम दरफ में उनके साथ होना, और खुदावन अभी इसके बाद दुश्मन के मंसूबे से महफूज रखना। अब आप मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ पास्टर आर्थर और उनकी मिसेस के लिए, तेरी बरकत उन पर हो, इसी तरह से इस कलीसिया पर, एल्डर साहबान पर, उनके खानदानों पर, उनके घरानों पर, और खुदावंद की जिंदगी पर हमेशा हमेशा तक तेरी बरकत रहे। अपने लिए, अपनी मिसेस के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बेटे के लिए, पास्टर पीटर के लिए, तो जब हम सफर करके वापस जाते हैं तो हमें भी सलामती के साथ लेकर जाए। इस कलीसिया पर तेरी हजूरी और तेरी बरकत हमेशा छाई रहे। वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को बड़ी बरकत दे, हमारे मुल्क को हर तरह की दहशतगर्दी से, इस कलीसिया को हर तरह की दहशतगर्दी से महफूज रख। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, ये दुआ मानते हैं तेरे बेटे हमारे गुलाम यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आया हमारे पास जो आसमान पर, तेरी बादशाह भी आया, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हो जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी ज्यादा चले पा जाए, अब हमारे गुलाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, इस कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ और कुल आलम कच्चीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन।